गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की बजाय बनाएं ये कूल एंड हेल्दी मिल्क शेक। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कूल भी है और हेल्दी भी है। इसी के साथ मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। इजी और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मोनिकास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। एक सर्विंग शेक बनाने के लिए मैंने एक ग्लास दूध लिया है और एक बनाना लिया है। 5 से 6 बादाम की गिरी ली है और उनको पानी में भिगोकर उनके छिलके उतार दिए हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने मिक्स्ड फ्रूट जैम लिया है। मिक्सी का जार लेंगे और उसमें बनाना काट कर डाल देंगे। और फिर बादाम भी डाल देंगे और जैम भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं चीनी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि जैम में भी मीठा होता है और बनाना में भी मीठा होता है। और फिर थोड़ा सा दूध डालकर हम मिक्सी को चला लेंगे। केला और बादाम अच्छे से बीट हो गए हैं, तो हम इसमें बाकी का दूध भी ऐड करेंगे और एक बार फिर से मिक्सी को चला लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी शेक की रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अब थोड़े से आइस क्यूब्स डाल लेंगे और एक बार फिर से मिक्सी को चला लेंगे। आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं। तो लीजिए, बनाना जैम शेक बनकर तैयार है। शेक को ठंडा करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो इसे एक गिलास में डालेंगे और फिर इसके ऊपर कटे हुए बादाम से हम इसे गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। शेक की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप और कौन सी ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं। तो हेल्दी और कूल मिल्क शेक बनकर तैयार है, तो गर्मियों में इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी।